सीबी प्लस के कैमरों को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ऑनलाइन करना है तो कैसा करना है? उसका तरीका एकदम आसान तरीके में, इजी वे में, नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू करेंगे, चलिए देखते हैं। ये मेरा मोबाइल है जिसमें कैमरे ऑलरेडी ऐड है, अब मुझे इसमें करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें सबसे पहले GCMOB एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया, उसके लिए डायरेक्ट ओपन का ऑप्शन दे रहा है, नहीं तो आपको इंस्टॉल का ऑप्शन देगा। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस मोबाइल में मेरे कैमरे हैं, मुझे इसमें करना है तो इस मोबाइल के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, लेफ्ट साइड में जो थ्री लाइन है उसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर नीचे जो है डिवाइस मैनेजर आपको एक दिखाई देगा, डिवाइस मैनेजर पर सिंपली क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर मेरा जो शॉप का नाम है, मैं मेरे सिंपली शॉप के नाम पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर जो है तो ये पेंसिल का एरो आपको दिख रहा होगा, इस पेंसिल के एरो को आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ये मेरी सारी डिटेल खुल गई है, यानी कि आप बिगर स्क्रीन के, बिगर मॉनिटर, बिगर टीवी के आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कर सकते हैं। तो अब इस मोबाइल में करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर ये मोबाइल का पेज खुलगा। अब ये मोबाइल में क्या करना है आपको बताता हूँ, शुरुआत से देखिए। यहाँ पर राइट साइड में जो वीडियो का ऑप्शन आइकन दिख रहा है, आपको इसको क्लिक करना है। फिर वीडियो प्लस का जो आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, ओके करना है। सेकंड वाला जो है वायर डिवाइस पर क्लिक करना है, सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इंस्टा ऑन आ रहा है, आईपी डोमेन आ रहा है, इंस्टा ऑन पर आपको क्लिक करना है। इंस्टा ऑन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी नाम है, शॉप है, घर है, या आप जो भी नाम अपने नाम से डालना चाह रहे हैं आप नाम डाल सकते हैं। सिंपली यहाँ पर मैं मेरे शॉप का नाम लिख देता हूँ या शॉप लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे SN मांग रहा है, SN में क्या डालना है, SN में ये जो वाला नंबर है, यानी कि ये स्कैन करके यहाँ पर ऐड करे थे, अब वो जो DVR में नंबर है वो नंबर अपने को यहाँ पर डाल देना है। मैं यहाँ पर वो नंबर डाल देता हूँ सिंपली, यूजर नेम सभी का सेम रहता है एडमिन, तो मैं भी एडमिन सेम नेम रख देना है। आगे स्किप करके आपको पासवर्ड पर आ जाना है। अब सब अपना अपना पासवर्ड अपने अपने हिसाब से रखते हैं। मेरे DVR का जो पासवर्ड है मैं वो पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके नीचे आपको थोड़ा सा स्क्रीन स्क्रॉल करना है, लाइव व्यू, यानी कि लाइव व्यू में आपको कैमरा किस क्वालिटी में देखना है, 720 में देखना है, 1080 में देखना है, अगर फुल HD में देखना है, जिस DVR का, जो DVR की क्वालिटी आपको रियल क्वालिटी चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको मेन पर क्लिक कर देना है। प्लेबैक, यानी कि आप प्लेबैक देखते हैं तो आपको प्लेबैक में रिकॉर्डिंग कैसी चाहिए, शादी वाली चाहिए या HD, जो DVR आपका है वो क्लियरिटी में चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर मेन कर देना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली स्टार्ट लाइव व्यू पर क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पर कैमरा ऐड हो चुका है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद किस तरह का आपको दिखाएगा मैं बताता हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेरे कैमरे ऐड हो चुके हैं। इस मोबाइल से मैंने इस मोबाइल में कैमरे ले लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।